आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। पुराण की कथा कह रही है कि दुनिया के सारे तीर्थ नहीं जा सकते, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान नहीं कर सकते, पवित्र नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते, या किसी भी तीर्थ में जाकर एक रात्रि भी विश्राम नहीं कर सकते, या हमने जिंदगी में कोई दान करा ना करा, कोई पुण्य करा ना करा, कोई सत्कर्म करा ना करा, कोई शास्त्र पढ़ा ना पढ़ा, कोई शास्त्र सुना ना सुना, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन में अगर मात्र एक बार भी आप शंकर के शिवालय में प्रवेश कर गए या मंदिर में प्रवेश कर गए, तो सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारी बावड़ी, सारे तालाब, सारे कुंड के स्नान का पुण्य, दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। केवल शिव तत्व को प्राप्त कर लेने। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि घर में जो दिया होता है वो दीपक भी कोई साधारण नहीं होता, उस दीपक की भी महत्वता है, उस दीपक का भी वर्णन है। महाराज एक बात और बहुत अच्छे से सुनिए, शायद आपकी जिंदगी को सवार, शायद आपके जीवन को सवार। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं। यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, मारा, तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने, अरे बोलो तो जमते, देखा है कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हो, तभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप पांच जगह पर स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो पांच स्थान, वो पांच स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया विषहरा श्यामली बारी दौतली देव, शंकर जी की पांच बेटियों का, और पांचवें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के तीन भाग होते हैं, करें दर्शन आप लोगों ने, जैसे सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो तीन भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको, त्रिशूल का जो तीन भाग होता है, उस तीन भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, तीन भाग का जहां मिलन होता है, पंचम स्थान ये पांचवा स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम तीन महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है तीन दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। तीन महीना बहुत दूर,
पर करना है दिल से। और कई तरह के दीपक होते हैं, दीपक का भी विधान वर्णन किया गया, उस दिए का भी वर्णन किया गया। यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, मारा, तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सको, मारा, केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा बच्चे का। बड़ी बेचैन दिख रही हो तुम, क्या बात है? पार्वती जी कहती है, देवव्रत, काश्मीर प्रदेश का एक भक्त देवव्रत बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आपका मंत्र जाप कर रहा। मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, सरस्वती वीणा बजाती है, इंद्राणी उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल का सिंचन करती है, 33 कोटि देवी देवता उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में विराजमान होते हैं। इसलिए देवव्रत एक बार पंचाक्षर मंत्र बोलता है तो वो 33 करोड़ बार गिना जाता है, ऐसा बेलपत्री का वृक्ष होता है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार अगर भगवान का नाम लिया जाता है तो वो 33 करोड़ बार, 33 कोटी बार गिना जाता, एक मंत्र केवल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 33 कोटी बार गिना, 33 कितना सुंदर लिखा है। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कथा में कहा, अपने लिए अच्छा वाला घी छाट के लाना, अच्छी कंपनी का लाना, और जब यज्ञ करने बैठे, पूजन करने बैठे, हवन करने बैठे, भगवान का तुम पाठ पूजन करवाई, पूजा वाले दुकान पे बोलना कि पूजा का घी चाहिए, तो वो पूजा का सामान बेचने वाला भी तचतुर था, उसने पूजा का ही घी दिया। तो इन्हें पूछा, भैया ये घी कितने का? तो क्या 80 रुपए का। तो 80 रुपए का आधा किलो, तो क्या पूजा का है? भारत की भूमि पर, इस मृत्यु लोक में, पूरे विश्व में ऐसे कई घर हैं जिनके घर में गुजारा करने के भी आफत है, पहनने के कपड़े नहीं, किसी के यहां पर भोजन नहीं, किसी के यहां जमीन नहीं, किसी के यहां दुकान नहीं, कोई कोई पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकाल देता है, नहीं। मेरा एक निवेदन है, इस कथा को जितने छत्रपति संभाजी नगर के श्रोता भाई बहन श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप हाथ का ठेला लगा रहे हो, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दरवाजे पर बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम दास भाव की जिंदगी जी रहे हो, तकलीफ में जिंदगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिंदगी जी रहे हो, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, उनसे केवल निवेदन करूंगा, 3 महीने 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, केवल 3 महीने, एक शंकर भगवान के शिवलिंग पर, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे, 2 जगह पर जल चढ़ाना 3 महीने लगातार चालू कर दो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। हमें कोई चमत्कार करना नहीं आता, और ना हम कोई तंत्र विद्या या मंत्र विद्या जानते हैं, ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति है, हमारे पास में तो केवल शिव का नाम है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, उसका स्मरण करते करते भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल, और उसी पात्र में जो जल तुमने शंकर जी को चढ़ाया है उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अलग से बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाने के लिए अलग से लोटा भर के जल जरूरत नहीं पड़ेगी, जो तुमने शिव जी को जल चढ़ाया, जो तुमने देवाधि देव महादेव को जल चढ़ाया, बस उसी पात्र का जल शंकर जी को चढ़ाओ, उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाना प्रारंभ करना। कौन सा बेलपत्री का वृक्ष? जिसकी छाया आपके ऊपर आ रही हो। शिव महापुराण बड़ी सुंदर बात कहता है, ध्यान दीजिएगा, जिस बेलपत्री का पौधा तुम्हारे सिर का, और ये दोनों हाथ ऊपर कर लो, अपन खड़े हुए और खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करें, इतना बड़ा बेलपत्री का पौधा है, उस बेलपत्री के पौधे की पत्ती को कभी तोड़कर शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, ध्यान रखना। कितना बड़ा पौधा, आप खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद आपका हाथ
ऊंचा कर लेना, इतना बड़ा पौधा है, उस पौधे की पत्ती बेलपत्री को तोड़कर शंकर भगवान को कभी नहीं चढ़ाना। शंकर भगवान को उस बेलपत्री को, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़ना चाहिए जो वृक्ष तुम्हारे हाथ से थोड़ा सा ऊंचा हो, जिसके लिए तुम्हें हाथ और ऊंचा करना पड़ रहा हो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठने के लिए दोनों हाथों से उचकता है, आवाज लगाता है, उचकता है, आवाज लगाता है, हाथ ऊपर करता है, तो माँ उस बच्चे को गोदी में ले लेती है। उसी तरह उस बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़ना चाहिए जिसने थोड़ी उन्नति कर ली हो, जो थोड़ा ऊंचा हो गया हो। तुम उसको पाने का प्रयास करो तो भगवान भी तुम्हें अपनी गोदी में ले ले, ऐसे वृक्ष की पत्ती तोड़। अब तुम छोटा सा पौधा, बिल्कुल जरा सा पौधा, उसी की पत्ती तोड़कर महादेव को चढ़ाओगे, ये श्रेष्ठता नहीं। यदि बेलपत्री का पेड़ आपके यहाँ है और मान लो कई लोग बेलपत्री गमले में लगाते हैं या छत के ऊपर लगा देते हैं, बेलपत्री का वृक्ष जो होना चाहिए वो घर के ठीक पीछे के भाग में, पीछे के, या बेलपत्री का वृक्ष अगर पीछे नहीं है तो आप अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो राइट हैंड की ओर बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए। आप जब घर से प्रवेश कर रहे हैं बाहर की ओर निकल, वो सुख का अनुभव करें। यदि घर से निकलते समय बेलपत्री का पेड़ लेफ्ट में अगर आता है, आप जिस घर से निकल रहे हो लेफ्ट में अगर बेलपत्री का पेड़ आता है तो आप एक रुपए कमाएंगे, सवा रुपए खर्च होगा, पैसा हाथ में टिकेगा नहीं। घर में दस लोग भी कमा रहे हैं तो पैसा घर में दिखेगा नहीं, आएगा जरूर, सारे काम होंगे पर टिकेगा नहीं। यदि लेफ्ट राइट भाग का बेलपत्री सुख का अनुभव, बेलपत्री का वृक्ष घर में लगाओ तो घर के पीछे के हिस्से में लगाना और ऐसी जगह नहीं लगाना कि जहां पर बेलपत्र में गंदा पानी जाए या कोई गंदी वस्तु उसके नीचे पड़े। 33 करोड़ देवी देवता बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन, कोई रविवार के दिन, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार के दिन बेलपत्री के नीचे आकर 33 करोड़ देवी देवताओं तप करते हैं, साधना करते हैं। बेलपत्री के पेड़ का बड़ा प्रमाण है। एक बेलपत्री ऐसी होती है जो कि शंकर पर अगर चढ़ी हुई है तो वापिस उतार कर धोकर फिर शिव को चढ़ा सकते। किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर, बहुत ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहाँ लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापिस इधर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए, नहीं नहीं उसका दोष है हमारा, उसका दोष है। आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से, कि जैसे ये शिवलिंग है,
शंकर जी का, ये शिवलिंग है। और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा, पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, कार्य में सिद्धता भी आती है, कार्य में उसकी सिद्धता भी।